गाजियाबाद थाने पहुंचे दो जमातियों ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। जी हां, यह खबर इस वक्त की ताजा खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों जमाती निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। थाना विजयनगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मरकज में शामिल हुए ये जमाती और आज आखिरकार ये पुलिस थाने पहुंचे। अनिल चौधरी हमारे संवाददाता, अनिल ये बताइए कि दरअसल जिस तरीके से सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है, लगातार जमातियों को कहा जा रहा है कि वो पहुंचे, अपना इलाज करवाएं, छुपे नहीं, और उन पर सख्ती भी बरती जा रही है, क्या यही वजह कि जमाती आज इतने दिनों बाद घर से चलकर थाने तक पहुंचे? देखिए, सरकार लगातार पहल कर रही है, लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि जो भी जमाती हैं, जो जमात में शामिल हुए थे, वो या तो खुद पुलिस के पास जाएं या खुद स्वास्थ्य विभाग से कॉन्टेक्ट करें, पर कहीं ना कहीं जो लगातार जो लोग थे वो छिप रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं लगातार जो अब सरकार भी है और प्रशासन भी गाजियाबाद का टाइट हुआ है, उसके बाद में आदेश किए गए थे कि सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि कोई इस तरीके से अपनी हिस्ट्री, ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाता है या जमात से कोई भी व्यक्ति जो जमात में शामिल हुआ हो और वो अपनी अपने आप को छिपा के बैठा हुआ है, तो उस पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो लोग उन्हें किराए पर रख रहे हैं या उनको पनाह दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में डर, इस वक्त का काफी डर है और आज दो जो लोग हैं वो खुद जो जमात में शामिल हुए थे, खुद कविनगर विजयनगर थाने में पहुंचे थे और अपने आप को सरेंडर किया। उन्होंने खुद कहा कि हमें जो है, हम जमात से शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं हमारा जो टेस्ट होना चाहिए। और अनिल ये भी बताइए कि ये दोनों जो जमाती हैं, इतने दिनों बाद क्यों पहुंचे पुलिस के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास? अब इन्हें पहुंचाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, ये अपने घर पर ही मौजूद थे या ये भी मस्जिदों में कहीं छुपे हुए थे? देखिए, सूचना ये मिली है कि ये कहीं ना कहीं छुपे हुए थे और लगातार जब प्रशासन टाइट हुआ और जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो इनको लगा कहीं ना कहीं अब हम पकड़े जाएंगे, जिसके चलते ये खुद विजयनगर थाने पहुंचे और इन्होंने पुलिस से कहा कि हमें एडमिट कराया जाए और हमारा टेस्ट कोरोना का कराया जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और इनको एमजी अस्पताल में ले जाया गया, वहां इनका टेस्ट भी कराया जा रहा है। जी शुक्रिया अनिल चौधरी, पूरी जानकारी के लिए आपका।